हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से न्यू जूमोलॉजी के डायमंड एजुकेशन प्रोग्राम में। दोस्तों, ये वीडियो है डायमंड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कि डायमंड की कटिंग एंड पॉलिशिंग कैसे होती है। आप जानना चाहते हैं कि डायमंड लेजर से काटा जाता है कि हाथ से घिसा जाता है, डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और हम समझते हैं कि डायमंड कटिंग कैसे होती है। देखिए, डायमंड की कटिंग पॉलिशिंग के लिए मुख्यतः तीन तरह के स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप को कहा जाता है रफ डायमंड असॉर्टमेंट, दूसरा स्टेप को कहा जाता है प्लानिंग एंड मार्किंग, और तीसरा स्टेप को कहा जाता है कटिंग एंड पॉलिशिंग या शेपिंग एंड पॉलिशिंग। तो ये वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बहुत छोटा और बहुत जल्दी से मैं आपको समझा दूं कि डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है। हाँ, हालांकि मैं डिटेल वीडियोस बनाऊंगा अलग अलग टॉपिक्स पे, इसी पे ही। सबसे पहले होता है रफ डायमंड असॉर्टमेंट। रफ डायमंड असॉर्टमेंट में होता क्या है, रफ डायमंड की छटाई होती है। रफ डायमंड को छांटा जाता है शेप वाइज, साइज वाइज, कितना वजन रिकवर होगा उस वाइज, और सबसे मेन सोएबल या मेकेबल वाइज। अब ये सोएबल मेकेबल क्या हो गया? मेकेबल शब्द का मतलब है कि ऐसा डायमंड जिसको सीधा बनाया जाएगा, सीधा ब्रूटिंग मतलब शेपिंग किया जाएगा और कटिंग पॉलिशिंग किया जाएगा। और सोएबल का मतलब है जिसको काट के दो टुकड़े, तीन टुकड़े या चार टुकड़ों में बनाया जाएगा। मेकेबल का मतलब है कि एक रफ से एक सिंगल डायमंड निकाला जाएगा, लेकिन सोएबल का मतलब है कि एक रफ से मल्टीपल पीसेस निकाले जाएंगे। एक बड़ा पीस निकलेगा, साइड में जो छोटे छोटे बचते हैं उसमें से भी और पीसेस निकाले जाएंगे। तो रफ डायमंड असॉर्टमेंट में ये डिसाइड हो जाता है कि डायमंड मेकेबल है या सोएबल है। अगर डायमंड सोएबल है तो उस डायमंड को लेजर डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, लेजर कटिंग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। लेजर कटिंग डिपार्टमेंट में लेजर से उस डायमंड को काट के दो टुकड़े किए जाते हैं। हालांकि काटा कैसे जाएगा, इसलिए जो प्लानर होता है वो क्या करता है, डायमंड के ऊपर साइन मारता है। इसको साइन मारना कहते हैं, या सिंपली कहें मार्किंग करना। एक मार्कर पेन से मार्किंग कर देते हैं कि यहां से इसको काट के दो टुकड़े करने हैं। तो जहां से साइन होता है वहीं पे एग्जैक्ट उसको अलाइन करके जो लेजर कटिंग वाला है वो लेजर से उसको काटता है। तो छोटा सा क्लिप है, आप देख लीजिए कि लेजर कटिंग कैसे हो रही है। अच्छा, इसमें आपने देखा कि लेजर से कैसे काटा जा रहा है, कैसे उसको पहले अलाइन किया गया, फिर कैसे लेजर कटिंग के द्वारा डायमंड को काटा गया। अच्छा, अभी अगर डायमंड मेकेबल है, मान लीजिए तो सोएबल था, अगर मेकेबल डायमंड रहा तो मेकेबल डायमंड क्या होता है, प्लानिंग एंड मार्किंग डिपार्टमेंट में जाता है। प्लानिंग एंड मार्किंग मतलब डायमंड को प्लान करना और प्लान करके फिर मार्किंग करना। अब प्लानिंग एंड मार्किंग दो तरह की होती है, एक होती है मैनुअल प्लानिंग। मैनुअल प्लानिंग का मतलब है कि इंसान द्वारा वो खुद प्लान करते हैं, आई लूप से देखते हैं और फिर प्लान करते हैं कि कहां से इसको काटा जाए, कहां से इसको बनाया जाए, इसकी इसकी टेबल किस तरफ रखा जाए, क्यूरेट कैसा बनाया जाए। और मैनुअल के अलावा होता है सरीन प्लानिंग। सरीन शब्द का मतलब है, एक्चुअली कंपनी है जो कि मशीन बनाती है, जो सॉफ्टवेयर बनाती है, और ये स्कैन करती है डायमंड को, स्कैन करके इसका थ्री डायमेंशनल व्यू सिस्टम पे कंप्यूटर पे आ जाता है और फिर उसको देखा जाता है कि इसकी मैक्सिमम आउटपुट कैसा निकाला जाए। प्लानिंग का एक ही मकसद है, ध्यान दीजिएगा, प्लानिंग का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है पैसा, रुपया। हर एक रफ का टुकड़ा अनमोल है, उस रफ के टुकड़े से, उस रफ डायमंड से मैक्सिमम आउटपुट निकालना होता है, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट उनको निकालना होता है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू निकालना होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर फैक्ट्री में या किसी एक फैक्ट्री में एक्सीलेंट कट के ही डायमंड निकाले जाएंगे, जरूरी नहीं है। वो देखा जाए अगर वेरी गुड कट में ज्यादा वजन आ सकता है या गुड कट में और ज्यादा वजन आ सकता है, ज्यादा कमाई हो सकती है, तो गुड कट में काटेंगे। जरूरी नहीं कि उसको अच्छे क्लैरिटी में काटा जाए, वीवीएस में और वीएस में ही। अगर देखते कि नहीं इसे हम SI2 में काटें, I1 में काटें और ज्यादा वजन रिकवर हो, उसकी प्राइस ज्यादा मिले हमें मार्केट में, तो उस तरह से काटेंगे। तो हर एक बार रफ की जो प्लानिंग होती है वो प्राइस वाइज होती है कि मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम वैल्यू हमें कैसे मिले।
तो अब हम करते हैं इसको सरीन प्लानिंग में जाते हैं। सरीन प्लानिंग में कैसे होती है वो देख लेते हैं। सरीन प्लानिंग में कैसे होती है, मशीनों द्वारा जैसे पहले रखा गया, रखने के बाद इसकी एक पूरी स्कैनिंग हुई, स्कैनिंग से थ्री डायमेंशनल व्यू मिल गया। उसके बाद इसको अलग अलग तरीके से देखा जाता है, अलग अलग ऑप्शन देखा जाता है किस तरीके से इसको काटा जाए, किस तरीके से इसको बनाया जाए, कहाँ से बनाया जाए, गर्डल किस तरफ से रखा जाए कि मैक्सिमम आउटपुट मैक्सिमम वैल्यू मिले। जब सरीन से प्लानिंग होती है, सरीन प्लानिंग के बाद क्या करते हैं, दो बातें। एक, मशीन के अंदर ही एक लेजर मार्कर होता है, तो जैसे ही ऑपरेटर सिलेक्ट करते हैं कि मुझे यहां से बनाना है, वो सिलेक्ट उन्होंने प्लान सिलेक्ट कर लिया, तो मशीन क्या करती है, लेजर से निशान लगा देती है कि यहां से गर्डल बनाना है, यहां से टेबल बनाना है, ऐसा पवेलियन बनेगा, निशान बना देती है। तो जब हम डायमंड को निकालते हैं तो दिखता है कि निशान, जैसे कि आप उसको यहां आप देख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो प्लान निकला, उस प्लान की एक लेबल निकलती है, एक स्टिकर निकलता है, उस स्टिकर पुड़िया में या पैकेट के ऊपर लगाया जाता है, ताकि वो पुड़िया जहां जहां जिस जिस डिपार्टमेंट से गुजरेगा, हर डिपार्टमेंट को मालूम होना चाहिए कि इस डायमंड में क्या एंगल होगा, क्या क्राउन एंगल, क्या पवेलियन एंगल, कितना टेबल, मशीन ने क्या प्लान दिया, ताकि कारीगर को भी पता होना चाहिए कि हमें उसी प्लान से काटना है। मशीन ने प्लान दे दिया, अब कारीगर की बारी होती है उसे सेम प्लान में काटना होता है। तो अच्छा, अभी तक हम देख रहे थे प्लानिंग एंड मार्किंग। पहले हमने देखा रफ डायमंड असॉर्टमेंट, फिर देखा प्लानिंग एंड मार्किंग। प्लानिंग एंड मार्किंग के बाद अब ये स्टिकर लगा हुआ डायमंड ये जाएगा अगले डिपार्टमेंट में, जिसका नाम है शेपिंग, ब्रूटिंग एंड कटिंग पॉलिशिंग। मैं शेपिंग, ब्रूटिंग, कटिंग, पॉलिशिंग अलग अलग शब्दों को जोड़ रहा हूँ। सिंपल समझ लीजिए कि डायमंड को आकार देना और उसकी कटिंग पॉलिशिंग करना, उसकी घिसाई करना, फैसेट्स बनाना, ठीक है। फैसेट्स मतलब पैल। तो पहले एक जमाना हुआ करता था जब मैंने सीखा था 2005-06 में आईडीआई में, उस वक्त जब हमने ब्रूटिंग किया था, ब्रूटिंग शब्द का मतलब होता है आकार देना, गर्डल बनाना, लट्टू जैसा आकार देना। इस वक्त मैं सिर्फ राउंड ब्रिलियंट कट की ही बात कर रहा हूं, मैं अलग दूसरा फैंसी शब्द की बात नहीं कर रहा। तो लट्टू जैसा आकार जब हम दिया करते थे, उस वक्त हमें मोटर पे लगा के स्पिन करके एक 2 फीट का डंडा हुआ करता था, उसको हम फिर बगल में लगा के फिर से घिसते थे, डायमंड से डायमंड को टकराते थे। आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, बहुत आगे आ गई है, आज लेजर से ब्रूटिंग होती है। इसको बोलते हैं 4P मशीन, 4P, 2P, हैंड ब्रूटिंग, बहुत अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस हैं। मैक्सी ब्रूटिंग भी हुआ करता था बीच में। तो आज के डेट में जो लेटेस्ट चलता है वह है 4P मशीन। तो मैं फटाफट पहले आपको 4P मशीन का तरीका दिखा देता हूं, जिससे कि इस रफ डायमंड को शेप देके, आकार देके एक लट्टू जैसे आकार में बनाया जाता है, क्योंकि डायमंड लट्टू जैसे आकार में होता है। देख लीजिए इसका भी क्लिपिंग। आपने देखा कैसे इसकी गर्डल बनाई गई लेजर से, फिर टेबल काटा गया, फिर क्राउन बनाया गया, पवेलियन बनाया गया, 4P, 4 प्रोसेस होता है इसमें। तो आज के रेट में लेटेस्ट है 4P। जो 4P अफोर्ड नहीं कर सकते, जो फैक्ट्रीज, उनके लिए पुराना तरीका है 2P। वो 2P का तरीका देख लीजिए, ये 2P का तरीका इस तरह से होता है, जिससे कि कैसे इसकी गर्डलिंग की जाती है, कैसे इसके क्राउन को बनाया जाता है, कैसे इसके पवेलियन को काटा जाता है। इसमें डायमंड लेजर से नहीं, दूसरे एक मटेरियल से घिस घिस के बनाया जाता है, घिस घिस के बनाया जाता है। इस प्रोसेस को भी देख लीजिए। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यह गर्डल, ये गर्डल घिसा जा रहा है। आप देख रहे हैं कैसे गोलाई में लाई जा रही है गर्डल को। ये 2P प्रोसेस होता है। ये थोड़ा सा समय लगता है, जहां 4P प्रोसेस में एक दिन में अगर 24 घंटे
काम किया जाए, मशीन को चलाया जाए 3 शिफ्ट में या फिर दो शिफ्ट में भी अगर चलाया जाए तो करीब करीब 700-800 पीसेस निकाले जा सकते हैं। वहीं टू प्रोसेस में, टू पी में, इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 200 पीसेस निकाले जाएंगे। अभी आप इसके पवेलियन को देख रहे हैं, इस वक्त ये पवेलियन घिस रहा है, डायमंड जो मेन डायमंड है उसके साथ इसको घिस घिस के, इसको जो मटेरियल बनता है वो भी डायमंड पाउडर से ही बनता है। जो ये घिस रहा है ना ऊपर का बड़ा सा मटेरियल, ये भी डायमंड पाउडर से ही बनता है। डायमंड पाउडर को जमा के, आयरन जमा के इसको फिर घिसा जाता है, क्योंकि डायमंड को सिर्फ डायमंड ही घिस सकता है। मैं बार बार आपको ये कहता हूँ कि डायमंड को सिर्फ डायमंड ही घिस सकता है। ये भी पवेलियन बन रहा है, और अब ये पवेलियन जैसे ये लाइन तक पहुँचेगा तब तक ये पवेलियन बन जाएगा, परफेक्ट उस एंगल में आ जाएगा जिस एंगल में मैन्युफैक्चरर चाहता है बनाना। अभी आपने देखा ब्रूटिंग, ब्रूटिंग का मतलब हो गया कि डायमंड को आकार देना, शेपिंग देना, है ना। ब्रूटिंग सब सिंपल से कहते हैं कि डायमंड को गर्डल बनाना, गर्डल बना के उसके आकार देना। ब्रूटिंग के बाद अब ये डायमंड जाता है कटिंग एंड पॉलिशिंग। कटिंग पॉलिशिंग का मतलब है कि फैसेटिंग करना, पैल बनाना, फैसेट्स को पैल बोलते हैं, पैल बनाना। एक राउंड ब्रिलियन कट में कितने पैल होते हैं, 57 पैल होते हैं, अगर क्यूलेट भी हुआ तो 58। तो अभी पैल बनाया जाएगा। तो अभी जो आप टेबल देख रहे हैं, सबसे पहले टेबल को चपका लगाया जाएगा, टेबल काटा जाएगा। टेबल हालांकि कटा हुआ है और उसको हल्की सी फाइन फिनिश दिया जाएगा। टेबल कटने के बाद अब ये डायमंड मथाला काटा जाएगा या तलिया, कुछ भी काट सकते हो। तलिया मतलब है कि पवेलियन, मथाला का मतलब है क्राउन। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी डायमंड्स हैं और इनके जितने भी फैसेट्स हैं, ये सारे फैसेट्स कारीगर अपने हाथ से बनाते हैं इस छोटे से टैंक पर रखे। इसे कहते हैं अंगूर, अंगूर या टैंक, इंग्लिश में टैंक बोलते हैं, हिंदी में, गुजराती में इसे अंगूर बोलते हैं। इस अंगूर पर रख के एक एक फैसेट को अपने हाथ से घिसते हैं और हर बार डायमंड की चाल देखी जाती है। अभी चाल क्या है, डायरेक्शंस क्या है, इस पर जैसे मैंने पहले कह दिया था कि वीडियोज को मैं ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, तो बनाऊंगा मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा इस टॉपिक पे ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। बट अभी फिलहाल शॉर्ट पे समझ लीजिए कि चाल मतलब के 8 डायरेक्शन होते हैं। उस 8 डायरेक्शन में से डायमंड किसी 2 डायरेक्शन में सबसे बेस्ट घिसा जाता है। उस डायरेक्शन को देखते हुए डायमंड के पॉलिश को मेंटेन करना है, डायमंड के सिमेट्री को मेंटेन करना है, वेट मैक्सिमम लाना है जो कि प्लान में दिया गया है। सोचिए कारीगर की कितनी ज्यादा वैल्यू है, वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट है। ऐसा मुझे एक डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जो ओनर है उन्होंने कहा कि दुनिया के अगर सबसे बेस्ट आर्टिस्ट कोई हैं तो वो हमारे यहाँ के पॉलिशर्स हैं। तो इस प्रोसेस में आप देखते हैं कि टेबल कटा, क्राउन के सारे फैसेट्स काटे जाते हैं, पवेलियन के सारे फैसेट्स काटे जाते हैं, और आखिर में इसकी गर्डल पे एक हल्की सी शाइन दी जाती है जिसको राउंडिंग मशीन बोलते हैं। राउंडिंग मशीन में हल्की सी शाइन दी जाती है, ये सी शाइन हो रही है, ये देख रहे हैं जो आप, हाँ कैसी चमक आ गई डायमंड में। तो ये एक शाइन दी जा रही है, गर्डल की गोलाई सही की जाती है उसकी, इसको कहते हैं पॉलिश्ड गर्डल। जैसा मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि गर्डल 3 तरह के होते हैं दिखने में, एक है पॉलिश्ड गर्डल, एक है फैसेटेड गर्डल और एक है ब्रूटेड गर्डल। तो आखिर में जाके फैसेटिंग और पॉलिशिंग फैसेट्स पे की जाती है, गर्डल पे की जाती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए जरूर, मैं छोटे छोटे और वीडियोज बनाऊंगा इन्हीं वीडियोज को एलैबोरेट करते हुए, जिससे आपको और समझने में आसानी होगी कि 4P मशीन कैसे काम करता है, सरीन मशीन कैसे काम करता है, लेजर कटिंग कैसे काम करता है, पॉलिशिंग में क्या चीज़ होता है, कैसे होता है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी।
इस वीडियो को देखने के लिए फिर से आपका धन्यवाद। मेरा नाम है उदय।